हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये त्रिपुरा के हिस्ट्री के बारे में है। इस पूरी वीडियो का जो टाइटल है वो है फुल वीडियो ऑफ त्रिपुरा दंगा 1949 to 1980 त्रिपुरा हिस्ट्री इन हिंदी। सो ये त्रिपुरा की पूरी हिस्ट्री के बारे में जो है पूरी वीडियो है, या फिर किसी हिस्ट्री के पूरे किसी पोर्शन को इस वीडियो में जो है कवर किया गया है। और मुझे इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है और आई थिंक 3-4 दिन से मुझे रोज मेरा कोई ना कोई सब्सक्राइबर तो इस वीडियो के बारे में बोल ही देता है। तो आज फाइनली मैं इस पे एक्शन देने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या है पूरी वीडियो और त्रिपुरा के किस हिस्ट्री के बारे में इसमें पूरा डिस्कस किया गया है। और पूरी वीडियो हिंदी में है तो मुझे भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और फिर करेंगे अपनी बातें। पर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी ऐसे ही अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम से पहुंचाते रहें। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी है। 17 मिनट्स की वीडियो है अप्रॉक्सीमेटली। तो फटाफट शुरू करते हैं। 1 2 3 ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। क्या बात है, बड़ी शुद्ध हिंदी है मैडम की और बहुत अच्छी भी है। त्रिपुरा का खोया हुआ दिल दहलाने वाला इतिहास जिसे बताने और पूछने में भी लोगों के बीच दर्द दिखाई देता है। त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने सन 1931 को कुल 2170 वर्ग मील जमीन त्रिपुरियों के लिए रिजर्व घोषणा किए थे। विशेष रूप से वो जमीन खास और पारित थे। महाराज के देहांत के कुछ साल बाद 14 अगस्त 1948 में तत्कालीन माता महारानी कंचन प्रभा देवी ने पूर्व पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के पुनर्वासन के लिए 300 वर्ग मील जमीन को अनरिजर्व किया। तब विदेशी एबी चटर्जी त्रिपुरा के प्रधान प्रशासक बने बैठे थे और महारानी कंचन प्रभा देवी जी को सिर्फ नाम के रीजन बनाकर रखा गया था। त्रिपुरा के महारानी ने केवल 300 वर्ग मील जमी को अनरिजर्व किया था, लेकिन एबी चटर्जी ने इस तरह से मैप को तैयार किया कि व्यावहारिक रूप से एक बारीक क्षेत्र को अनरिजर्व कर दिया गया था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत और एबी चटर्जी को हटाने की मांग उठी श्री अघोर देवबर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद के द्वारा। तब 50,000 लोग विरोध की रैली में शामिल थे। उमाकांत एकेडमी पे इसे लेकर मीटिंग भी किया गया था। 1947 को अगरतला में धारा 144 लागू था और श्री अघोर देवबर्मा के नाम पर गिरफ्तारी का वारंट भी लागू था। जब 14 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हो गया तो राज्य में मुख्य आयुक्त यानी के चीफ कमिश्नर का शासन शुरू हो गया था और तत्कालीन विदेशी नौकरशाहों की स्थापना भी शुरू हो गई थी। दूसरी ओर राज्य के बाहर के बंगाली स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व के मिली भगत से त्रिपुरी लोगों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाने की साजिश में शामिल थे। तत्कालीन डीएम रंजीत घोष की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण था कम्युनिस्ट विनाश के नाम पे त्रिपुरी लोगों के हत्याओं पर। त्रिपुरी लोगों को विभिन्न झूठे मामलों में फंसाया जाता था और राज्य में त्रिपुरियों के शारीरिक उत्पीड़न से छुटकारा पाने की उम्मीद में पुलिस को स्वतंत्र रूप से त्रिपुरियों को लूटने की अनुमति दी जाती थी। पीड़ितों को स्वयं पता है कि त्रिपुरियों से कितना पैसा वसूला गया है। ये कहना संभव नहीं है कि एक सामान्य आरोपी को जमानत पाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था। परिणाम स्वरूप कोई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कितने त्रिपुरी परिवारों ने अपना सामान बेचा है, जमीन जायदाद मावेशी और बछड़े बेचे हैं।
सस्ते दौर पर त्रिपुरियों के जमीन को बंगालियों पर हस्तांतर करना पड़ा। त्रिपुरा के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से नियोजित एक साजिश था त्रिपुरियों को आर्थिक रूप से झटका देना। त्रिपुरी लोगों के कब्जे में बहुत सारा जमीन था जिसे शरणार्थी पुनर्वास के नाम पर आबाद किया गया, यानी कि अनरिजर्व किया गया था, और उन त्रिपुरियों को अपनी जमीनों वाले इलाके से निकाला गया था। त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान से विदेशी शरणार्थियों का प्रवेश होते ही उन्हें सभी तरह से सुविधाएं मिलना शुरू हो गया, क्योंकि त्रिपुरा की प्रशासनिक शक्ति पूरी तरह से उनके ओर से थी। समग्र प्रशासन में उनके रिश्तेदार या तत्कालीन पूर्वी बंगाल के नौकरशाह द्वारा कार्य किया जाता था। जब कुछ मामलों में त्रिपुरी द्वारा उन्हें जबरन भूमि पर कब्जा जमाने से रोका जाता था तो कांग्रेस नेतृत्व पुलिस के साथ मिलकर त्रिपुरियों पर हमला करते थे। क्वाई डिवीजन में कृष्णनपुर, गिलातली, शांति नगर, अखराबारी और लक्ष्मी नारायणपुर जैसे त्रिपुरी उच्छेद इन सब बातों के सबूत है। इन सभी मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह उल्लेखनीय है। स्थानीय त्रिपुरियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके गांव या पड़ोस के सभी त्रिपुरी पुरुषों को गिरफ्तार करके उन्हें महीनों तक जेल में रखा जाता था। पुलिस पकड़े गए त्रिपुरियों पर अत्याचार पे अत्याचार चढ़ाते थे, यहाँ तक कि नारियों को भी नहीं छोड़ते थे। शरणार्थी अपने स्थायी निवास और उपयुक्त वातावरण के लिए त्रिपुरियों के जमीन को कब्जा करके त्रिपुरियों को अरेस्ट करवा देते थे। सन 1964 को ओमपी तहसील के पास पुलकोट पे जनक रुद्रपाल एक जमातिया मकान मालिक से 8 एकड़ जमीन खरीदे थे, जो असली में 8 एकड़ नहीं बल्कि 8 ड्रोन था। वो जमीन बिना रजिस्टर की थी। स्थानीय क्षेत्र में गरीब रियांग, मोलसम, काइपेंग और त्रिपुरा संप्रदाय के लोगों को अपने 8 एकड़ के जमीन के बगैर जंगलों पर फसलें उगाकर रहना पड़ता था। यहाँ भी कांग्रेस नेतृत्व और पुलिस गरीब त्रिपुरियों के खिलाफ डकैती के झूठे मामले दर्ज करके उन्हें झूठे मामले में फंसाकर थोकदार गिरफ्तार करते थे। क्रूर तरीके से उन त्रिपुरियों को डंडे से पीट कर अपाहिज बना दिया जाता था और नारियों के ऊपर भी अत्याचार करके उन्हें गांव से बाहर निकल दिया जाते थे। पूर्व मंत्री बुलुफुकी को इन सब के विरुद्ध आवाज उठाने के वजह से लंबा समय तक जेल में बिताना पड़ा। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर और अखिल भारतीय कम्युनिस्ट नेता रेणु चक्रवर्ती पुलकोट पर जमीन देखने गए थे, तब उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपन चक्रवर्ती और अगर देबरमा भी साथ में थे। अगर देबरमा ने इस मामले में पहल की थी और रेणु चक्रवर्ती राजेश्वर ने केंद्रीय सरकार की दृष्टि को आकर्षण किया था। तब कमिश्नर एके चंद ने इस मामले में जांच की और उनका विचार त्रिपुरियों के प्रति था, यहां तक कि उदयपुर विभाग के जुनाल एसडीओ की त्रिपुरियों के तरफ थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह की साजिश में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। जब त्रिपुरी लोग लंबे समय तक नजरबंदी के बाद अपने इलाके पहुंचा, तब उन्हें अपना घर ही देखने को नहीं मिला। वहां नए लोग और नए घर था। फिर जब उन्होंने अपना परिवारों को ढूंढ के बरमूरा, अठारमूरा जूम करके जीवित बनाने की उम्मीद लगाई और उन्होंने वहां पर रहना शुरू किया, तब वहां भी जूम करना निषिद्ध कर दिया गया और बहुत सारे तरीके से उन पर जुल्म किया गया। सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन के वक्त राज्य सरकार ने षड्यंत्र करके प्रचलित सभी नियम कानून तोड़कर बहुत सी त्रिपुरियों के 16 या 17 साल से दखल किया हुआ जमीन को गैर कानूनी तरीके से बंगालियों के नाम कर दिया था। इसी तरह बहुत सारा जमीन को हड़प लिया गया था। उनमें से एक घटना है विलोनिया के बाईखोरा गांव का निवासी सचिंद्र मोहन त्रिपुरा का, जिनका 16 साल पुराना 3 एकड़ जमीन को सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान श्रीदाम नोमो, डिजेंद्र नोमो के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया गया था।
इस दौरान राज्य सरकार ने महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा रिजर्व किया जमीनों पे बांग्लादेशियों के पुनर्वासन के लिए और जानबूझकर रिजर्वेशन को तोड़ने के लिए बांग्लादेशियों के नाम को रिकॉर्ड करने के बंदोबस्त की थी। तत्कालीन सीएम सचिंद्र लाल सिन्हा त्रिपुरियों के मातृभाषा कोकबरों को निंदा करता था, जिसलिए उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता था। इसलिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक भी त्रिपुरी नहीं था। त्रिपुरियों के शिक्षा को भ्रष्टाचार और नजरअंदाज करना सब त्रिपुरियों को दुनिया से विलुप्त करने का एक षड्यंत्र था। त्रिपुरी लोग इन सब कारणों से शिक्षित हो या अशिक्षित, सब लोग स्वाधीन भारत का स्वाधीन नागरिक है इस बात को भी भूल चुके थे। खुद के मातृभूमि पर बाहर से आए हुए लोग द्वारा अत्याचार, वंचित होने के साथ साथ जीवन को हर पल सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें बांग्लादेशी के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। भारत के विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, वहां से आए हुए लोग इतनी जल्दी सामाजिक और अर्थनैतिक रूप से सुप्रतिष्ठित हो जाएगा किसी ने ये सोचा भी नहीं था। शिक्षित अशिक्षित, उम्र में बड़ा या छोटा, हर कोई त्रिपुरी लोगों को देखते ही बाजार, सड़क, मार्ग, कहीं भी हमेशा उन्हें बेइज्जत करके छोटा महसूस करवाते थे। रिक्शा चालक से लेकर शिक्षक तक त्रिपुरियों को अपमानित करके आनंद लेते थे। ये कोई कल्पना की हुई बात नहीं है, बल्कि महसूस किया हुआ अनुभव है। भूमि राजस्व और भूमि संस्कार पास करके जो 187 धारा के द्वारा त्रिपुरियों के जमीन को सुरक्षित रखने का प्रावधान था, वो भी सफल नहीं होने दिया, बल्कि महाराज द्वारा घोषित रिजर्व जमीन को खारिज कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, भारत के संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन या आरक्षण था, वो भी प्रयोग नहीं किया गया राज्य सरकार द्वारा। त्रिपुरियों पर हो रहे अत्याचार शोषण को देखकर जब भी कोई बाहर से नॉन बंगाली ऑफिसर सहानुभूति देते थे, तब बंगाली लोग उन्हें वापस भेजने के लिए आंदोलन करना शुरू करते थे। राज्य सरकार अचानक झूम कृषि पर रोक लगा देता है। राज्य सरकार को अच्छे से पता था कि त्रिपुरियों के बीच बहुत संख्यक लोग झूम कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। झूम कृषि से ही उनका घर गृहस्थी चलता है, वो ही उनका जीवन जीने का एकमात्र उपाय है। लेकिन राज्य सरकार ने त्रिपुरियों के जीने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था ना किए ही अचानक झूम कृषि को बंद कर देता है, जिससे अठारमुरा, बोरमुरा, साबरुम विभाग के मागरो मोचरा और बाकी जुमिया इलाके के त्रिपुरी लोगों को भूखमरी से तिल तिल कर मरना पड़ता है। जब आंदोलन करके केंद्रीय सरकार द्वारा जुमियाओं के पुनर्वासन का विकल्प दिया गया था, तब भी राज्य सरकार ने बिना कुछ किए पुनर्वासन के लाखों पैसों को लूट लिया। विश्रामगंज और शिकारी बारी में जो त्रिपुरियों के लिए कॉलोनी बनाने का काम दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उस पैसों को भी लूटा गया है राज्य सरकार द्वारा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा त्रिपुरियों पर जितना अत्याचार किया गया था वो असीमित है। राज्य सरकार का त्रिपुरियों को बर्बाद करने के षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा था यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे कि त्रिपुरा राज्य के राजनीतिक आधार था त्रिपुरी और बंगाली, इसलिए त्रिपुरियों के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हुआ। लेकिन बांग्लादेश के प्रवासियों के दिल जीत के उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी पे लाने के लिए बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान, वोट का अधिकार और उनके पुनर्वासन का मांग की गई थी सीपीआईएम द्वारा। नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व पे सीआरपीसी 144 धारा को उल्लंघन करके बंगाली सेंटिमेंट के द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था।
1994 में केंद्र सरकार के राज्य पुनर्निर्माण आयोग ने असम में त्रिपुरा राज्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, पर बंगाली सेंटीमेंट से प्रभावित होकर त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का संपादक अजय घोष दिल्ली से आकर त्रिपुरा के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश भी किया था। उन्होंने कहा कि असम में शामिल होना त्रिपुरियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोग नहीं माने। यहाँ तक कि अजय घोष अकेले में व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन त्रिपुरी नेता दशरथ देव को भी इस बारे में समझाया, लेकिन दशरथ देव का एक ही जवाब था, नहीं। दशरथ देव को तब अजय घोष ने ये बात कहते हुए चेतावनी दिया कि दशरथ, मेरा उम्र तुमसे बहुत ज्यादा है और शारीरिक रूप से भी मैं स्वस्थ नहीं रहा हूँ। तुम्हारा उम्र अभी भी बहुत कम है, तुम जीवित रहते ही अपने त्रिपुरी लोगों को अत्यधिक कष्ट सहते हुए देखोगे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य पार्लियामेंट पे भाषण देते हुए कहा कि त्रिपुरा के रिजर्व जमीनों द्वारा त्रिपुरियों को सुरक्षित रखा जा रहा है और भविष्य में भी रखा जाएगा, लेकिन लाख लाख रिफ्यूजियों के ट्रांजिट कैंप से हर रोज 30 से 35 लोग मर रहा है, इसलिए उन रिजर्व जमीनों पे ट्रांजिट कैंप के 4.5 लाख लोगों को पुनर्वासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस बात से उन्होंने बंगालियों को रिजर्व जमीनों पे दाखिल करना शुरू कर दिया। रायमा साइमा इलाके के रिजर्व जमीन को उल्लंघन करके आधा जमीन त्रिपुरी और आधा बंगालियों को दिया गया था, लेकिन त्रिपुरियों को दिया गया आधा जमीन सिर्फ नाम का आधा था, क्योंकि असल में सुरक्षित जमीन बंगाली रिफ्यूजी के हाथ चला गया था। त्रिपुरियों के हाथ पे रह गया था सिर्फ बंजर और पहाड़ टीले का जमीन, वो भी कहीं पर फॉल्स मैप दिखाकर पैसे लूट लिए थे। कम्युनिस्ट पार्टी को इन सब बातों के बारे में पता था, पुनर्वासन किसके लिए था वो भी पता था। त्रिपुरा कांग्रेस के नेतृत्व पे भी त्रिपुरी लोगों को कम संख्या में परिवर्तित कर दिया गया था। त्रिपुरी लोगों को वंचित और उपेक्षित अवस्था में रहना पड़ा, यही कारण था जिस वजह से बहुत शिक्षित त्रिपुरी लोग भ्रमित, अधीर और असहनशील होकर अपने लोगों के अस्तित्व रक्षा करने के लिए बोरोक आर्मी में क्रांतिकारी के रूप में शामिल हो गया। यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि हर तरफ से त्रिपुरियों के इंसाफ का रास्ता बंद हो चुका था। उन दिनों CPIM द्वारा बहुत भयंकर दंगे भी घटित हुआ, लेकिन CPIM नंद घोष ने इसका जिम्मेदार TUJS को ठहराया। यहाँ तक के दैनिक संवाद अखबार में भी त्रिपुरियों के खिलाफ बहुत सी झूठी बातें लिखा गया था। TUJS का विदेशी वितरण प्रस्ताव सरकार को देने के बाद बंगालियों ने गुलीराय बाजार, ढलक, थेलाकुंग बाजार जैसे जगह पर आक्रमण करके नरसंहार यानी बहुत से त्रिपुरी लोगों का कत्ल कर दिया, लेकिन ये दोष भी TUJS को दिया गया था। त्रिपुरियों को दोष दिया गया कि वो लोग बंगालियों की हत्या कर रहे हैं। अगर ये बात सच होता तो अगरतला पे आज कोई भी बंगाली जिंदा नहीं होता। उस समय 7 जून को जब शिक्षा मंत्री द्वारा अगरतला में शांति के लिए मीटिंग बुलाया गया था, तब बुद्ध देपरमा, श्यामाचरण त्रिपुरा, द्रो रियांग और नगेंद्र जमातिया भी उपस्थित थे। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देपरमा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देपरमा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था। ओके, तो जिसने भी ये वीडियो बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और कितनी अच्छी से पूरी हिस्ट्री को जो है बता दिया, और काफ़ी हद तक मैं देख सकता हूँ कि भाई त्रिपुरा के लोगों ने कितना कुछ सहा है, अभी सह रहे हैं। और जब ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जब आए थे तब उनको रहने की जगह दी, खाने को खाना दिया, और अब बेचारे वही त्रिपुरी लोग यहाँ वहाँ दर बदर जो है भटक रहे हैं और उनको अपने राइट्स के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है, और बहुत बुरा हाल है।
वैसे ना रिफ्यूजिंग का मुझे ना समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मतलब ठीक है कोई दुख तकलीफ़ में है तो मदद तो करनी चाहिए, पर फिर बाद में अगर वो रह जाएं फिर अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर करनी पड़ेगी। तो ये रिफ्यूजी वाला ना मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए, भाई रिफ्यूज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक ना चंद्रगुप्त मौर्या एक सील था, तो उसका एक एपिसोड है जो मुझे ऐसे टाइम पे काफ़ी याद आता है। उसमें एक एपिसोड में ना एक बात चल रही थी कि कोई रिफ्यूजी कहीं से आ रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बात चल रही थी कि उनको मतलब रिफ्यूज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त का एक मंत्री था, वो कहता कि नहीं देना चाहिए क्योंकि क्योंकि अगर हम उनको आज हम देंगे और वो यहाँ पर रह जाएंगे तो आगे जाके हमारे ही बच्चों के जो राइट्स हैं वो डिवाइड होंगे, वो फिर उनको भी जो है देने पड़ेंगे, फिर हमारी जो राज्यसभा हैं जो हमारे निजी डिसीजंस हैं हमारे अपने देश के लिए, फिर उसमें वो भी जो है पार्ट लेंगे, फिर उनका भी इन्फ्लुएंस होगा। तो सही भी है कि कोई दुख तकलीफ़ में है तो मत करो, पर एक फिर आगे जाके अगर वो हमें ही तंग करने लग जाएं तो फिर लगता है कि भाई गलत भी है। तो बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन होती है। अभी जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला जो केस हुआ था अभी एक डेढ़ साल पहले, जब वो म्यांमार से भाग के आ रहे थे तब भी सेम वो सिचुएशन थी कि भाई उन्हें रिफ्यूज़ दें कि ना दें, क्योंकि इंडिया पहले ही बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है और रिसोर्सेज की कमी है, और ऊपर से बाहर देशों से भी लोग यहाँ पर आके बसना शुरू हो जाएं तो हमारे अपने लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो फिर नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी भी तो कम हो जाएगी क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। तो और मैं ये देख सकता हूँ कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है त्रिपुरा का वो अब बंगाली जो इमिग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश उनके पास आ गया है, वहाँ के जो सीएम है वो भी जो है मतलब जो थे पहले जो जिनको इस वीडियो में वो दिखाया हुआ है कांग्रेस के वो भी जो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ही थे इस वीडियो के अकॉर्डिंग, बाकी मैं उनको नहीं जानता हूँ भाई उनके बारे में कुछ, तो इस वीडियो में जो बताया गया है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो अब ऑब्वियसली बात है वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे पहले, मतलब हैं वो जो सीएम थे पहले, तो वो अपने लोगों का साथ जो है ज़्यादा देंगे। तो अब बड़ा ही एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है ये, क्योंकि वो जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर वो मतलब उनके पास इंडिया के सारे प्रूफ हैं तो वो यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो अब उनको भी हक है कि वो यहाँ पर जो है सारी मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि अगर वो यहाँ के सिटीजन्स हैं तो वो सभी मतलब जो यहाँ के जो इंडिया के लोगों के पास राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनके पास भी हैं। तो एक ये बड़ी दिक्कत है कि अगर कुछ गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो अब तो वो भी सिटीजन्स हैं तो वो उनको भी अब ऐसे ही बाहर निकाल नहीं सकते। तभी मैं NRC के सपोर्ट में हूँ कि NRC लागू होना चाहिए, और जहाँ तक जो विरोध होता है CAA का, वो CAA से पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट 95% नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, CAA वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। असम के कुछ ज़िलों में ये लागू है, बाकी ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट है 95% पूरा नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर CAA का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इससे इम्यून है। मैंने इस पर एक वीडियो भी करी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में होगा ताकि आपको ठीक से पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी
कि CAA क्या है और वो नॉर्थ ईस्ट पर लागू होता है कि नहीं है। पर NRC तो वहाँ पर त्रिपुरा में होना चाहिए ताकि ठीक से मालूम पड़े कि कौन से जो हैं त्रिपुरा के वासी हैं और कौन हैं जो त्रिपुरा के वासी नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तभी जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन ले नहीं सकती, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ले पाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही रैंडमली कुछ करना शुरू कर दे तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी करना सही नहीं है। तो बड़ा ही अब देखो क्या होता है। वैसे धीरे धीरे जो है BJP गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे रूल्स लेके आई हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से इंडिया के हैं और कौन से इंडिया के नहीं हैं, यानी कौन से ऐसा जो है इलीगल मतलब इमिग्रेंट या फिर रेफ्यूजी जो है इंडिया में आए थे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी देखिए 1949 से 1980 इतने सालों से ये जो है प्रॉब्लम है, तो एकदम से सॉल्व भी नहीं वो होने वाली है, इसको सॉल्व होने में भी जो है टाइम लगेगा। तब तक पेशेंस रखिए और गवर्नमेंट पर विश्वास रखिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।